इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ आवर थॉट प्रोसेस. हम वहीं से उठेंगे, वहीं पे सोएंगे, वहीं पे जागेंगे, वहीं पे ही जिएंगे. This is coming out of sheer, deep, intense analysis. उससे ऊपर उठने का रास्ता हमको ढूंढना है कि हमारे जीवन को बार बार खाली सोच के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े. How am I going to find myself freedom? How can I get scot free? From my thought and thought processes, मैं अपने दिमाग के दायरे से कब उठ सकता हूँ? दिमाग का दायरा क्या है? दिमाग का दायरा दिमाग के संस्कारों से भरा हुआ है. दिमाग का दायरा दिमाग के अनुभवों से भरा हुआ है. जिस जिस चीज को दिमाग ने जाना, परखा, समझा, उसके दायरे में भरा पड़ा है. Did you understand what I am saying? What your mind has been exposed to is what your sense organs operate from. It has its limitations. And if you're dependent only on that, how can you rise above? ये बात समझना, दिमाग का दायरे में क्या क्या आता है? Your संस्कार्स. Now, your संस्कार्स are what? Your repetitive habits that your mind has got so used to. और उन्हीं संस्कारों के कारण हमारा जन्म होता है, जीवन चक्र होता है, डेस्टिनी डिफाइन होती है और फिर बंदा मृत्यु को प्राप्त होता है. There are two different things, mukti and moksha. When I use the word mukti, in English we call that internal, sensible, truthful freedom, which means what? कि मेरे अंदर के tendencies भी मेरे को बांधे ना. Many times we react stupidly because we are so tied up with our aptitudes inside us. इतने फालतू की तरीके से हम लोग सोचते हैं, react करते हैं. वो जो circumstances है, it becomes larger than life for us, and that becomes a source for us to start thinking in that direction. We start self-defensing our action. और हमारी पता नहीं कितनी खराबियां वहां से शुरू होती हैं. सुबेरे से उठते ही हमारा thought process चालू हो जाता है. How dependent are we on our thoughts being beautiful, healthy, sensible for us to feel in a particular way? अगर हम ये चाहते हैं तो थॉट के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपना जीवन जीना थोड़ा कम करना है. वो कैसे होगा संतो? वो होगा अंदर ही अंदर जिप आउट करने से, वो होगा ज्ञान से, वो होगा अति सूक्ष्म वृत्ति से. मतलब एक्सट्रीम सटलिटी नीड्स टू बी अचीव्ड बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन. आत्मा का जो विषय है वो अति सूक्ष्म है. It is so, so refreshing. Until you don't experience that, you will feel extremely tied down to your mental tendencies. Thoughts एक बात है, पर एक और सटल चीज है, कर्ता बन के थॉट्स को लेके आना. कर्ता बन के थॉट्स को लेके आने का ही दूसरा नाम है संकल्प और विकल्प. मेरी बात समझना, सटिलिटी से इस बात को कैच करना. वी आर सिंपली सिटिंग इन द हाउस ड्यूरिंग द डे. हाउ मेनी टाइम्स वी जस्ट आर एंड हाउ मेनी टाइम्स वी टेक एन एफर्ट टू बी. डू यू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी टाइम्स आर वी जस्ट आर? बस है सो है, बस मैं हूँ, ठीक है. आई एम नॉट टिंकरिंग विद एनीथिंग, आई एम नॉट टेम्परिंग विद एनीथिंग, आई एम जस्ट अलाउइंग थिंग्स टू बी. जैसे आपने आकाश को रहने दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ओशन को रहने दिया, मौसम को रहने दिया, स्वास्थ्य को रहने दिया, हर चीज को आप रहने देते हो, आपने क्या अपने आप को रहने दिया? I doubt it. I simply doubt it. पूरा टाइम मेरा कर्तापना मुझको ही डुबाता है. My doership, my sense of doership, my sense of me kills me every second internally. खोखला होता जाता है बंदा, and then the journey begins. क्योंकि उस खोखलेपने को भरने के लिए आप पूछो मत कितनी हमसे मेहनत होती है. हम कभी वहां सिर मारते हैं, कभी यहाँ सिर मारते हैं, कभी वहां रोते हैं, कभी चिंतन करते हैं, कभी गॉसिप करते हैं, कभी वहां, कभी यहाँ. Don't ask. We are all over the place.
कर्तापना, ये बहुत सूक्ष्म बात है. यू हैव टू लिसन एंड कैच इनसाइड हाउ मेनी टाइम्स ड्रिवन बाय डिजायर आई गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. नाउ दैट इज द डेंजरस वन. ये इतनी अति सूक्ष्मता का विषय है. अगर आपने इस बात को अच्छी तरह से कैच किया, यू विल बी आउट ऑफ ऑल पेन एंड ऑल मिजरी, एंड दैट इज अ प्रॉमिस, अ रियल ब्यूटीफुल प्रॉमिस. पूरा टाइम मैं अपने को ही चलाता हूं या नहीं, जो चीज की डेफिनेशन भी नहीं है, मैं कर्ता बन के उसको डिफाइन करता रहता हूँ, हाँ या नहीं. द मोमेंट यू अलाउ, गिव योर माइंड द मोमेंटम ऑफ कर्तापना, ऑफ डूअरशिप, इट कैचेस पेस टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट बियॉन्ड अ पॉइंट टू देन कंट्रोल इट. फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जन्म लग जाता है हमको ये कर्तापना अकर्तापना डूअरशिप कैच ही नहीं होता, बिकॉज दिस इज सो सटल. अगेन टू कैच समथिंग सो सटल, एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ प्योरिटी इन द माइंड आर रिक्वायर्ड, एंड दैट प्योरिटी कम्स विद योर कॉन्स्टेंट नॉन स्टॉप अनकंडीशनल इरिवोकेबल एफर्ट ऑफ सेल्फ एनालिसिस. जो बात आपको यहाँ पे बोली जा रही है उसको सूक्ष्मता से कैच करना, छोड़ना ही नहीं है उस एनालिसिस को जब तक मेरे को उस बात का अनुभव ना होए. So are you able to read between the lines? Are you able to understand where I'm coming from? Pura din mein, are you coming into a sense of illusion and getting into the momentum of thought process which arises out of intense desire? Andar ka mera koi na koi ichha rupi khichdi pakti rehti hai. और वहीं से मेरा ख्याल उत्पन्न होता है. एनीथिंग दैट इज स्पोकन हियर इज कम्प्लीटली सेल्फ ओरिएंटेड, एकदम अपने लिए ही बात है, अपनी ही बात है, यहाँ पे कोई दूसरी बात है ही नहीं. सो व्हाट विल हेल्प अस गो सके, व्हाट विल हेल्प इंटरनल क्लींजिंग, व्हाट विल हेल्प इंटरनल प्योरिटी. प्योरिटी दो चीजों में आएंगी. एक है आपके इंटरनल सेल्फ एनालिसिस, जो आनी चलती है, बार बार उसके साथ रिलेट करना है, बार बार उसके साथ हमको हूबहू होना है. और अगर हमको कैच नहीं होता, कोशिश करते जाओ, फिर गुरु से लेना देना जरूर करना है. दूसरी बात है हमारा बिहेवियरल पैटर्न बैक्ड बाय कॉमन सेंस. हमारा बिहेवियरल पैटर्न कौन सा है? यू डोंट मीन हार्म टू एनीबॉडी, बट आर actions are only harming, our words are only harming. Lack of common sense in our system, lack of jagrita in my system makes me make ample of mistakes. Uske wajah se most of the time I'm sitting here and trying to cleanse the mistakes I have made rather than use that time for my self-improvement. Main profit ka maza kab lunga agar main apna sara time apne loss ko hi manage karne mein laga rehta hoon to, hai na? To jab mere sharir se galat kaam hote hain, jab mere shabdon se galat baat nikalti hai, jab mere man ke andar ka khayal mere ko niche ki or leke jata hai, jagriti ki or nahi, I'm not walking internally towards my light. I'm seriously wasting the time, precious time given to me by the Lord, by the cosmic, by Mother Nature itself. Dusri baat samajhna, apne aap ko us cosmic se alag samajhna bahut badi bimari hai. We have hit upon this amazing truth, that amazing wisdom. Therefore, we have to make the most of it. Jitna hum iska fayda uthayein aur apna fayda karein, utni hamari akalmandi hai. Jab maine apne ko us parmatma se alag samjha, to main kaun sa jeevan jeeta hoon? Bahut solid daridrata ka jeevan jeeta hoon. It's like a living dead. Yahan ki batti ko jalana bahut zaruri hai. With a lot of humbleness, with a lot of melting of the eye, with a lot of awe, with a lot of surprise, with a lot of love, mere andar mein kaun basta hai, kahan se aaya, kidhar gaya, thoda andar mein jaanch karo ki mere andar mein kaun basta hai. God is a concept till you don't realize it.
बहुत सुंदर शब्द है ये गॉड, उसके लिए इश्क होना, भक्ति होना बहुत सुंदर बात है, लेकिन सच्ची भक्ति समझना कब है, जब मेरे अंदर में एक इच्छा का तिनका भी नहीं है, तब आप बोल सकते हो मेरी भक्ति सच्ची है। पर अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं मैं अपनी विल को उसके विल के साथ कब मिलाता हूँ, जब मेरी मांग खत्म हो जाती है। ये इतनी डीप चीज है गाइज, please practice this in your day-to-day life. Allow the alignment to happen. When does an alignment happen? Kab jaake merge hota hai? Kab hum bolte hai choti aayi badi aayi mein leen ho jati hai? Bhaiya, ye koi scientific process nahi hai, ye koi chemistry nahi hai, ye solid samajhne ka vishay hai. Kaun si samajh? Aisi gehrai ki samajh ki wahan pe buddhi nahi bachti. Buddhi ko bachane ke liye ahankar की जरूरत है, और उस अहंकार का खात्मा हो जाता है गुरु के हाथों जब हम उनकी शरण में आते हैं। सीरियसली, व्हेन वी स्टार्ट लिसनिंग टू सत्संग, इन द बिगिनिंग हमको ना ए समझ में आता है ना जेड समझ में आता है। We are also confused because we've come from a world of constant egoistic thought process. हम अपने आप को कितनी बड़ी चीज समझते हैं पूछो नहीं। अरे बंदों को गहरी नींद में भी ख्याल आते ही रहते हैं, तो बोलते हैं हमको गोली तो मिले तो मैं सो जाऊं तो थोड़ा मेरा ख्याल तो कम हुए। Do you understand? अभी ख्याल को वापस पटरी पे इतनी तेजी से कौन दौड़ाता है? मेरा अहंकार। कौन दौड़ाता है? मेरा अहंकार। My ego drives me crazy, right? वो मेरे जीवन को खोखला कर जाता है। बट आई नीड टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ हेल्पिंग सेल्फ डिसॉल्व। कैसे ये सेल्फ डिसॉल्व होगा? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज अगेन अ लॉट ऑफ विजन गोइंग इंटरनल। सारा ध्यान मेरा अंदर की ओर। अच्छा, ज्ञान नहीं तो अंदर में भी कचरा ही तो पड़ा है, तो किसका मैं ध्यान करूं? ज्ञान से अपने कचरे पर ध्यान जाता है। We are able to identify the ignorance inside me. I'm able to identify the darkness inside me. And that is so amazing. क्योंकि एक बार बीमारी का मालूम पड़ जाता है, अच्छी तरह से उसका एनालिसिस हो जाता है, तो दवाई में देरी नहीं लगती। सही दवाई के बाद इंसान का ठीक होना अनिवार्य है। Health is inevitable when it is well treated, when your physical body is well treated. Similarly, it is the same case with the mind. और जब मन के अंदर में जब मन भरमाया रहता है तो उसको खुद का रास्ता नहीं समझ में आता। It doesn't understand how to come out of its own mess.